हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के एलपीएनएस 2025 के बारे में। आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में एलपीएनएस एग्जाम के बारे में बताने वाली हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए एग्जाम देना मैंडेटरी है, कब से इस एग्जाम की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है, किस दिन आप लोगों को एग्जाम देना है, क्या रजिस्ट्रेशन चार्जेस रहेगी एंड कब आप लोगों को रिजल्ट के बारे में पता चलेगा। एंड अलॉन्ग दस मैं आप लोगों को इस वीडियो में स्पेशल कूपन कोड के बारे में बताने वाली हूँ, जिसे यूज करके आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेंगे एलपीएनएस के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। बट उससे पहले गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं देन जल्द से जाकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड वही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो फ्रेंड्स, आज ये ऑल नो कि जब भी आप लोग किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं, सबसे पहले आप लोगों को उस इंस्टीट्यूशन का जो भी एंट्रेंस टेस्ट है उसको क्लियर करना पड़ता है। तो सिमिलरली अगर आप लोग एलपीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं देन आप लोगों को सबसे पहले एलपीयू का एंट्रेंस टेस्ट यानी कि एलपीएनएस एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। अब हर साल स्टूडेंट्स जो है वो एलपीयू में एडमिशन लेते हैं फॉर डिफरेंट कोर्सेज एंड प्रोग्राम, तो इसीलिए एलपीयू जो है वो हर साल अपने एंट्रेंस एग्जाम को अपडेट एंड अपग्रेड करते रहते हैं। अगर बात करें इस साल के एग्जाम के बारे में यानी कि एलपीएनएस 2025 के बारे में, देन चलिए चलते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। आफ्टर सर्चिंग एलपीएनएस 2025 आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके की ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगी। सेम इसी पेज का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप लोग डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके इस पेज को ओपन कर सकते हैं। आफ्टर ओपनिंग आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एलपीएनएस नेशनल एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट है फॉर ईयर 2025। फर्दर अगर स्क्रोल डाउन करेंगे तो यहाँ पे कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस है, लाइक सबसे पहले कि व्हाट आर डेट्स फॉर एलपीएनएस टेस्ट। अब डेट्स को बताने से पहले मैं आपको फर्दर क्वेश्चंस के आंसर्स दे देती हूँ। लाइक सबसे पहले व्हाट इज द मोड ऑफ एलपीएनएस एग्जाम। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो एलपीएनएस एग्जाम देने के लिए देन दो मोड है। सबसे पहले है ऑनलाइन रिमोटली प्रोटोकॉल फ्रॉम होम, यानी कि आप लोग घर बैठे टेस्ट दे सकते हैं ऑनलाइन। एंड सेकेंड है आपका टेस्ट सेंटर बेस्ड एग्जाम, यानी कि जैसे आप लोग नॉर्मली एग्जाम देने जाते हैं तो आपको सेंटर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, व्हाट इज द कॉस्ट टू फिल एलपीएनएस एग्जाम। यहाँ पे गिवन है कि अगर आप लोग सॉफ्ट कॉपी ऑफ एलपीएनएस किट के लिए अप्लाई करते हैं देन आपको 1000 रुपीज पे करना होगा, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए सेम है। एंड अगर आप लोग प्रिंटेड एलपीएनएस किट के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन आपको 1500 रुपीज पे करना होगा, अगेन इट इज इक्वल फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। अब बात आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दैट इज डिस्काउंट। क्या आप लोगों को एलपीएनएस में रजिस्ट्रेशन करते वक्त कैसे डिस्काउंट मिलेगा, तो आप लोगों को इस वीडियो के बॉटम पे कूपन कोड देखने को मिल रहा है। तो जब भी आप लोग एलपीएनएस में अप्लाई करने जाएंगे आप लोगों को जो स्पेशल कूपन कोड है इसको यूज करना है। आफ्टर यूजिंग माई कोड आप लोगों को फ्लैट 20% का ऑफ मिलेगा इस रजिस्ट्रेशन पर, यानी कि जिस फॉर्म को फिल करने के लिए आप लोगों को 1000 रुपीज पे करना पड़ रहा था, आफ्टर यूजिंग माई कोड आप लोगों को सिर्फ 800 रुपीज पे करना है। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन, इज एलपीएनएस द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन और नॉट। अभी काफी बार स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट आता है कि जरूरी है एलपीएनएस का एग्जाम देना या नहीं। अब यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन है तो इस पे क्लिक कर देते हैं। आफ्टर क्लिकिंग आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को प्रोग्राम्स गिवन है, कुछ स्टेप्स गिवन है, तो आपको इनको फिल करना है। अब लेट्स से यहाँ पे टाइप के अंडर गिवन है ऑल, फर्दर आप लोगों को यहाँ पे क्वालिफिकेशन गिवन है तो आप क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करना है। लाइक आपकी जो लास्ट क्वालिफिकेशन है वो 12th है तो आप लोगों को सिंपली 12th पे क्लिक कर देना है। फर्दर आप लोगों को यहाँ पे अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, लाइक इंजीनियरिंग, सीएससी, आर्टिफिशियल एंड सो ऑन। लेट्स से हम लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो सिंपली इंजीनियरिंग पे क्लिक कर देना है। आफ्टर दैट आपके सामने कोर्स का ऑप्शन आएगा कि आपको एक कोर्स या स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है, तो अब यहाँ पे हम लोग सीएससी करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आप लोगों के सामने ऑप्शन है कि आप लोग रेगुलर प्रोग्राम करना चाहते हो या स्पेशलाइज्ड लेना चाहते हो, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा साइंस, सॉफ्टवेयर मेथोलॉजी एंड सो ऑन। लेट्स से कि हम लोग सिर्फ जनरल करना चाहते हैं तो बीटेक सीएससी पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। नाउ आफ्टर क्लिकिंग कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले गिवन है हु कैन अप्लाई, हम लोग एलिजिबिलिटी चेकआउट कर रहे थे कौन से स्ट्रीम के लिए अप्लाई करना है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको गिवन है सबसे पहले नेशनैलिटी गिवन है, ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एलपीएनएस। फर्दर एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो मेरिट इन एलपीएनएस सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब देखो अगर आपने एलपीएनएस का एग्जाम नहीं दिया होगा तो इंजीनियरिंग छोड़ो किसी भी कोर्स या प्रोग्राम के लिए आप लोग एडमिशन क्राइटेरिया में सक्सेसफुली एलिजिबल नहीं होगी, तो इसीलिए यहाँ पे एक स्टेप में आपको पता चल
मिल गया कि आपको एलपीएनएस का एग्जाम तो देना ही होगा। फर्दर अगेन नीचे एलिजिबिलिटी में गिवन है कि पास अप टू 60% एग्रीगेट मार्क्स इन योर 12th विद फिजिक्स मैथ्स एंड इंजीनियरिंग। ये तो आपका प्रोग्राम के रिलेटेड है कि अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो ये सब्जेक्ट तो होने चाहिए। सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग एलपीनिस्ट अगेन स्टार गिवन है कि एलपीनिस्ट में क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, कि आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। बाकी अब अगर आप लोग इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जानना चाहते हैं या अप्लाई कैसे करना है एलपीनिस्ट में, तो सिंपली यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऑप्शंस गिवन है लाइक हाईलाइट, करिकुलम फीस, स्कॉलरशिप्स एंड सो ऑन। तो लेट्स से चलो मैं आपको इंजीनियरिंग की फीस भी इसी में बता देती हूँ। यहाँ पे फीस पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे गिवन है कि प्रोग्राम फीस है 1,40,000 रुपीज। अब अगर आप लोग एलपीनिस्ट में मार्क्स स्कोर करते हो, कैटेगरी ए बी सी डी में भी आते हो, तो आप लोगों को जो है 100% 60% 40% 20% की स्कॉलरशिप मिलेगी। अर्लियर क्या होता था, सिर्फ तीन कैटेगरी होती थी ए बी सी। अब एलपीयू ने क्या किया है कि आपको एक और कैटेगरी दे दिया है कैटेगरी डी, कि अगर आप लोगों को कैटेगरी डी में भी आपके परसेंटेज आते हैं तो आप लोगों को इजीली 20% की कंसेशन तो मिलेगी फीस पे। सिमिलरली स्कॉलरशिप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को अगेन स्कॉलरशिप्स गिवन है, तो आप लोग एलपीएनएस की स्कॉलरशिप भी चेकआउट कर सकते हो। अब अगर बात करें अप्लाई कैसे करना है एलपीएनएस में, तो देखो हाउ टू अप्लाई गिवन है, यहाँ पे क्लिक किया आपको स्टेप्स आ जाएंगे। स्टेप वन में देखो क्या गिवन है कि रजिस्टर करना है एलपीयू एडमिट पे, अपनी डिटेल्स भरनी है, जो भी आपके आईडी पासवर्ड आप लोगों को मिल जाएगा। सेकंड है अप्लाई एलपीएनएस, यानी कि एलपीएनएस इज एन ऑनलाइन टेस्ट व्हिच एक्ट एज अ गेटवे टू प्रोग्राम यू आर इंटरेस्टेड। तो सिंपली आप लोगों ने एक बार रजिस्टर कर लिया, साइन अप कर लिया, फर्दर आप लोगों को एलपीएनएस के लिए अप्लाई करना है। बाकी यहाँ पे डिपॉजिट द टेस्ट फीस गिवन है आप लोगों को कि सॉफ्ट कॉपी ऑफ एलपीएनएस किट के लिए 1,000 एंड अगर आप लोग प्रिंटेड किट चाहते हैं तो 1,500। बट अगर आप लोग स्क्रीन पे दिए गए कूपन कोड को यूज करेंगे देन मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि आपको फ्लैट 20% का ऑफ मिलेगा, यानी कि सिर्फ 800 रुपए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है। अब अगर बात करें इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो देखो इम्पोर्टेंट डेट्स हर एक कोर्स हर एक प्रोग्राम की सेम नहीं होती है। एमबीए के लिए अप्लाई कर रहे हो कोई और डेट होगी, एलएलबी के लिए कर रहे हो कोई और डेट होगी, यहाँ पे हम इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हैं दैट टू बी फॉर सीएससी, तो उसकी डेट की चार्ट खुल गई है। अब जैसे कि गिवन है कि रजिस्ट्रेशन 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है, स्लॉट बुकिंग आपकी 10 दिसंबर तक रहेगी एंड लास्ट डेट है अप्लाई करने का स्लॉट बुक करने का 15 जनवरी 2025। अगर बात करें रिजल्ट की तो 8 फरवरी को आपका रिजल्ट आ जाएगा अगर आप लोग इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर रजिस्टर करते हैं और एग्जाम देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें कि मैंने आप लोगों को एंटायर एलपीएनएस एग्जाम के बारे में बताया है। एट द एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो